बढ़िया पेंटिंग है, देखिए गाइस कितनी शानदार है। इसमें राधा कृष्ण जी दिख रहे हैं आपको, आपने पूरी पेंटिंग आप ही दिखी होगी, आपको दिखा होगा राधा कृष्ण जी, इनके साथ मोर है, देखिए कितनी शानदार ये पंखुड़ियाँ। ये पेंटिंग पीछे देखिए, पीछे का दृश्य आपको दिख रहा होगा, देखिए पीछे का दृश्य भी देखिए कितने शानदार है। देखिए पानी बहता हुआ, स्वान उड़ते हुए, मोर चहचहाते हुए, देखिए इसमें फूलों की पंखुड़ियाँ दी हुई कितनी शानदार है। देखिए जो कान्हा जी है उनको बांसुरी हाथ में ले जाते हुए दिखा गया, और जो राधा जी है वो मटका ले रखी है हाथ में, जो कि माखन का है। कितना शानदार डिज़ाइन है, इतनी शानदार डिज़ाइन आपको कहीं ना कहीं तो देखने को मिली जाती होगी। देखिए कितनी शानदार लग रही है, देखिए राधा कृष्ण जी को देखिए, आँखें देखिए कितनी शानदार लग रही है, इतनी मनमोहन लगती है। आपके घर में अगर लगाओगे तो इतनी मनमोहन, मन आपको मन को सुख देने वाली होगी। देखिए जो किशन जी का चेहरा है देखिए कितना अच्छा लग रहा है, देखिए देखिए कितनी शानदार लग रही है पेंटिंग। गाइस मैं आपको ये पेंटिंग के बारे में बताता हूँ गाइस, देखिए और देखिए बांसुरी, देखिए किशन जी हाथ में बांसुरी लिए हुए हैं, देखिए कितनी शानदार लग रही है। गाइस मैंने आपको इसकी पेंटिंग की साइज बताई थी एक बार, जिस पेंटिंग की साइज़ है वो 12-18 है, देखिए कहा जाता है जिससे मानने में। अगर गाइस आप इस पेंटिंग को देखेंगे, अगर आप नापेंगे घर पर, तो इसकी प्राइस जो मतलब इसकी साइज़ है वो आपको 13-19 दिखेगी, लेकिन गाइस इसकी जो प्राइस जो साइज़ है वो आपको 12-18 बताई जाती है, 12-18 साइज़ बताई जाती है आपको। तो गाइस ये पेंटिंग आपको कैसी लगी, कितनी शानदार है। और गाइस दूसरी बात है, इसके ऊपर यूवी नहीं करी हुई गाइस, जो यूवी करी हुई मैंने आपको कई बार पेंटिंग दिखाई हुई जिनके ऊपर यूवी करी हुई है, लेकिन गाइस कहने में ही नहीं आता कि यूवी करी हुई पेंटिंग अच्छी लगती हो, जो बिना यूवी करी हुई पेंटिंग है वो भी अच्छी लगती है। गाइस अब तो मैं भी ये मानता हूँ जो पेंटिंग है वो यूवी करी हुई है, बिना यूवी करी हुई उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस फर्क ये पड़ता है कि हम उसको कैसे लगाते हैं, कैसे देखते हैं। तो गाइस अगर आप ये पेंटिंग मंगाना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मेरे इंस्टा आई डी पर जाकर ले सकते हैं एमजे फ्रेम पेंटिंग्स, या फिर मुझे बता सकते हैं। गाइस मैंने अभी नई इंस्टाग्राम आई डी बनाई थी, उस पर जाकर ले सकते हैं एमजे फ्रेम जयपुर, उसमें जाकर आप खरीद सकते हैं, या फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और गाइस इस वीडियो पर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं। अगर कोई नए सब्सक्राइबर या कोई नई वीडियो को देख रहा है तो वो भी इस वीडियो को बेल आइकन चालू कीजिए, तो चलिए आपको नई नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। गाइस देखिए इसका फ्रेम दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए कितना शानदार फ्रेम है गाइस, कितना बढ़िया लग रहा है। ये नया फ्रेम है गाइस, अभी अभी मैंने बताया आपको नया फ्रेम है, और अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो गई थी उसके अंदर भी मैंने आपको फ्रेम दिखता हुआ दिखाया था। देखिए कितना शानदार है, कितनी अच्छी लग रही है राधा कृष्ण जी की पेंटिंग, देखिए गाइस कितनी बढ़िया लग रही है। तो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और साथ ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे ताकि मेरा उत्साह बढ़ता रहे और भी नई नई वीडियो बनाते लेकर आने का। आपको एक पेंटिंग कैसी लगी, इसकी डिज़ाइन जो राधा कृष्ण जी दिए हुए, जो बांसुरी है इसके अंदर, आपको क्या लगा, क्या दिखा इसके अंदर बताइए गाइस, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और साथ ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। गाइस जो पेंटिंग है वो 12-18 की पेंटिंग है, मैंने आपको बताया था 13-19 की पेंटिंग है, लेकिन जो आपको ऑनलाइन स्टोर पर कहा जाता है 12-18 की पेंटिंग है। तो आपको कैसी लगी पेंटिंग, इसका साइज़, इसकी प्राइस, इसकी प्राइस आप मान सकते हैं 150 से 200 आपकी प्राइस इसकी मान सकते हैं, और साथ ही मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं ताकि मैं और भी नई नई वीडियो आपके लिए लाता रहूं। तो आपकी पेंटिंग कैसी लगी मुझे बताया कमेंट सेक्शन में, और साथ ही धन्यवाद। और एक नई वीडियो आने वाली है उसके ऊपर भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए गाइस, ठीक है, धन्यवाद।